जुड़ी बातें हैं। एक बात तो यह है कि इस बात को बिल्कुल समझ लीजिए कि हिंदुत्व का असली निशाना मुसलमान नहीं है, इसको समझ लें। हिंदुत्व का असली निशाना है कि हिंदू समाज उनकी उंडई के कंट्रोल में नहीं आ रहा है। उनकी असली समस्या यह है कि 30 जनवरी 1948 को उन्होंने किसी मुस्लिम लीग के लीडर या जिन्ना का या किसी मुसलमान मुफ्ती का या मुसलमान आलिम का कत्ल नहीं किया, उन्होंने गांधी का कत्ल किया था, जिसको मुस्लिम लीग और पाकिस्तानी ये कहते थे कि ये तो हिंदुओं का दलाल है और ये हिंदू राष्ट्र बनवाना चाहता है, इसको मत भूलिए। और अगर आप उनका निशाना सिर्फ मुसलमान है या ईसाई है तो उनके जो जुर्म है और उनका जो असली हुंडई का प्लान है, फासिस्ट प्लान है, हम उससे निगाह हटा के कुछ चीजों को लेकर एक ऐसी बहस में पड़ जाएंगे जो वो क्रिएट करेंगे और बस हम उसका जवाब देते रहेंगे। प्लीज इसको 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 साथ ही समझने की कोशिश की। उनका यह है कि यहाँ पर एक ऐसा ब्राह्मणवादी एक इस तरह का समाज लाना जिसे मनुस्मृति लागू हो और इसमें आप हिंदू समाज में ही गैर बराबरी को माने और डंडे के जोर से माने। 26 नवंबर 1949 चार दिन के बाद आरएसएस का मुखपत्र ऑर्गेनाइजर एक एडिटोरियल लिखता है, हम इसको रिजेक्ट करते हैं, रिजेक्टेड, हमको मनुस्मृति चाहिए। और मनुस्मृति क्या है? दुनिया का एकमात्र डॉक्यूमेंट है, दुनिया का एकमात्र धार्मिक, अगर सावरकर कहते हैं कि वेदों के बाद वो सबसे पूजनीय डॉक्यूमेंट है, उसमें यह है कि हिंदू औरत और शूद्र वो इंसान के बराबर का दर्जा नहीं रखते हैं, उनकी जानवर से भी बुरी हैसियत है। ये मनुस्मृति का चैप्टर 8, चैप्टर 4, चैप्टर 8, चैप्टर 9 अभी डाउनलोड कर लीजिए और उसको देख लीजिए, या यहां कर लीजिए, अभी यहां पर कर लीजिए। दूसरी बात है, आज जो टेरर लॉ में बंद है, हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी के, हमारे जेएनयू और जामिया के बच्चों को छोड़ दीजिए, सारे टेरर लॉज में किनको बंद किया हुआ है उन्होंने? सारे उनके नाम वो मुसलमान नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं मुसलमानों के खिलाफ उनके जुर्म कम है, लेकिन उनका निशाना क्या है जरा उसको समझ लीजिए, उसको समझ लीजिए। जो चार हिंदुत्व के बाकायदा जाने माने संगठन ने मारे हैं चारों के चारों, वो मुसलमान नहीं है। एमएम कालबुर्गी, कम्युनिस्ट कैडर, वो इतिहासकार अपना दाभोलकर जी, तो नरेंद्र दाभोलकर जी, अपने गोविंद पलसारे, गौरी लंकेश, गोविंद पलसारे जी, ये वो हैं जो ब्राह्मणवाद को चैलेंज, जो जेल में डाले गए, आनंद तेलतुंबड़े दामाद हैं उनके बेटे के, और जिनका मेन काम है कि अंबेडकरिज्म और मार्क्सवाद दुश्मन नहीं है, वो एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री है, उनकी किताबें हैं हिंदी उर्दू अंग्रेजी में, वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का चीफ रहा है बंदा, वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई वो सुअरों को पालने वाला कोई उस तरह से आके कि जी वो आ गया और वो ये तो दलित है तो इस वजह से, वो दुनिया का मानव इंटेलेक्चुअल है। नरेंद्र दाभोलकर जो उन्होंने काम किया है ब्राह्मणवाद को वो चुनौती दे रहे थे। एक और बात, अगर जो साथी अंग्रेजी पढ़ते हैं, फ्रंट लाइन का जो सबसे नया इशू है उसमें मेरा मुसलमान राज पर, कि मुसलमान नाम के राजाओं का राज जो था उसका मुसलमानों से अगर आप बदला लेंगे तो 2-3 बातों का जवाब देना पड़ेगा। नंबर एक बात, आप बोलते हैं 800 साल, मैं कहता हूं 1100 साल मोहम्मद बिन कासिम के आने के बाद हमारे देश के अंदर मुसलमान राज शुरू हो गया, मुसलमान इन कोर्ट मुसलमान राज शुरू हो गया, तो उसके बाद ये 1100 साल में मुसलमानों की आबादी कभी भी 20% से ज्यादा क्यों नहीं बढ़ी? दुनिया में एकमात्र उदाहरण है जहां 1100 साल या चलो 700 साल, 800 साल, 500 साल मुसलमान नाम के राजाओं ने राज किया या किसी एक धर्म के नाम के राजाओं ने राज किया और वहां का बहुमत उस राजाओं के धर्म का नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इस देश की ऊंची जातियों ने मुगलों के साथ
मुगलों के साथ पूरी तरह का सहयोग किया, सिर्फ उनके कमांडर नहीं बने, उनके प्राइम मिनिस्टर नहीं बने, बल्कि उनके साथ अपनी बेटियां भी आईं। शाहजहां के बाद कोई भी मुगल राजा जो है मुसलमान मां से नहीं है। आप में से ये साथी जानते हैं क्या? और ये आपने चैलेंज करना है हिंदुत्व को, हिंदुत्व से ये पूछना है। जब वो बताएं ये हिजाब का सवाल, तो हमने पूछना है यार ये बताओ तुम जरा सा ये बताओ कि शिवाजी महाराज से लड़ने के लिए कौन गया था? औरंगजेब कभी भी जंग के अंदर मुकाबला नहीं किया शिवाजी का। जयसिंह वन एंड जयसिंह टू बाप बेटे, और जयसिंह टू वो है जो औरंगजेब का समधी है और उसके बेटे से जो अगला राजा बनता है उनकी उनका उनको अपनी लड़की देता है। आप शिवाजी का जो खत है जयसिंह वन के बारे में हमको वो पढ़ना चाहिए, वो मेरी एक किताब के अंदर मैंने रिप्रोड्यूस किया है बाहर, वो आप उसको पढ़ना चाहिए कि तू मुसलमानों का वो करके तू उनका हमारा खून बहाने आया है, तू ये करने आया है। अरे राज तुमने किया जो मुसलमान राज था वो इट वॉज एज गुड एज राजपूत राज। औरंगजेब के तीन मेन प्राइम मिनिस्टर थे, एक कायस्थ, दो ब्राह्मण। डिनाई करोगे इसको डिनाई कर सकता है कोई? तो अगर आपने उसके बावजूद आज मुसलमानों से बदला लेना है, तो ये टीवी डिबेट जिसमें मैं सिर्फ पीटा नहीं गया, बाकी सब कुछ हुआ था संबत पात्रा के साथ। मैंने कहा यार एक बात बताओ, ये सही कहा था मैडम ने, 5,000 साल पुरानी हमारी सभ्यता है, और आरएसएस के हिसाब से तो जिस दिन रामचंद्र जी जीत कर पहुंचे अयोध्या उस दिन से हिंदू राष्ट्र की जर्नी शुरू होती है। तो मैंने कहा ठीक है जी शुरू होती है, तो आप ऐसा करो 5,000 साल पुराना जो इतिहास है उसके अंदर आप शुरू कर दो बदला लेना, और जिस दिन शमसुल इस्लाम का नंबर आया उसका भी लगा देना बुचा खाने के अंदर। लेकिन आपने रावण के वंशजों से पहले हिसाब किताब करना पड़ेगा। कौरव जिन्होंने महाभारत कराई थी उनसे बदला लेना पड़ेगा, जिन्होंने द्रौपदी के कपड़े उतारे थे उनसे अपने महाभारत जिन्होंने कराई थी, और आरएसएस के या जो पुरानी कथाएं उसके हिसाब से 1.2 बिलियन पीपल, 120 करोड़ लोग मारे गए थे, उसमें सिर्फ 6 लोग बचे थे, कृष्ण जी बचे थे और 5 पांडव बच गए थे उस जंग के अंदर, उसका भी हिसाब लगा लो, उसका बदला लेना शुरू करो। अरे राज तुमने किया, फायदे तुमने उठाए, जमीन तुम्हारे पास रही, रानियां तुम्हारी बनी, और ये मुसलमान जो कोई जुलाया जो कोई वो है, मैं आता हूँ नाई परिवार से, 99% मुसलमान जो है वो दलितों से कन्वर्ट है, और दलितों से कन्वर्ट है, और उसकी सजा इनको क्यों सजा दी जा रही है इसको भी समझ लें, इसको क्यों सजा दी जा रही है? सजा ये दी जा रही है जिसका जवाब विवेकानंद जी ने दिया था। विवेकानंद जी ने लिखा कि हमारे यहाँ बराबरी का कोई विचार नहीं है, हमने बराबरी का विचार इस्लाम से सीखा, और भारत की मुक्ति है इस्लाम का शरीर और वेद की आत्मा। इसकी कीमत आज के मुसलमान चुका रहे हैं, यानी आरएसएस जो है बराबरी का समाज नहीं चाहता है, और अगर कभी मुसलमानों ने इतिहास में अपना धर्म बदलकर बराबरी की कोशिश की थी वो उसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, और अपने दलितों को अपने शूद्रों को बताना चाहते हैं जब हम 14 करोड़ के साथ ये कर सकते हैं तुम्हारे साथ हम क्या करेंगे। और नंबर दूसरा उनका जो रणनीति खेल है, जो स्ट्रेटेजी खेल है, वो स्ट्रेटेजी खेल ये है कि हमारे दलित हमसे मांग कर रहे हैं, हमको उल्टा जवाब दे रहे हैं, हम आगे एक नव शूद्र वर्ग पैदा कर दे रहे हैं, आप हमारी लात खाइए, वो लात आप आगे पास कर दीजिए, वो आगे लात पास कर दीजिए, आप भी खुश रहेंगे। और इसको यूरोप का पूंजीवाद और साम्राज्यवाद अच्छी तरह जानता है कि सारी दुनिया की कॉलोनियों से जो उन्होंने पैसा जमा किया उससे यूरोप के इंकलाब का रास्ता बंद कर दिया, क्योंकि वहां की वर्किंग क्लास को वहां के पूंजीपतियों ने बराबरी दे दी, यहां से जो लूट के ला रहे थे वो अपनी वर्किंग क्लास की तनख्वाहें बढ़ा दी, ये कर दी वो कर दिया सब कर दिया, और उससे वहां इंकलाब की सारी संभावना, जो मार्क्स कह रहे थे कि जर्मनी में सबसे पहले इंकलाब होगा, अमेरिका में इंकलाब होगा, फ्रांस में इंकलाब होगा, वो इसलिए रुक गया। तो बात यह है आप इस बात को बिल्कुल दिमाग से निकलवा दें कि पाकिस्तान मुसलमानों ने बनवाया, मुसलमानों के एक सेक्शन ने बनवाया। अगर सारे मुसलमानों को आप जिम्मेदार ठहराते हैं तो मां सीता के अपहरण का भी सारे ब्राह्मणों से आपने बदला लेना होगा, द्रौपदी के कपड़े उतारने का भी सारा क्षत्रियों से आपने बदला लेना होगा,
अगर आपने वो करना है तो, है ना। मैं उस परिवार से आता हूं जो 23-24 मार्च को पाकिस्तान का प्रस्ताव पास हुआ, 27 दिन के अंदर दिल्ली के अंदर आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कर दी गई, हिंदुस्तान के मुसलमानों का सबसे बड़ा इज्तिमा, सबसे बड़ा इजलास, ये उस जमाने के अखबार कह रहे हैं, उस जमाने के अखबार कह रहे हैं, हिंदुस्तान टाइम्स, उस वक्त हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदुस्तान, द स्टेट्समैन, द ट्रिब्यून, हिंदुस्तान के मुसलमानों का सबसे बड़ा इज्तिमा। 3 दिन चल रहा था, 4 दिन चला, 50,000 आदमी आने थे, 1.5 लाख आदमी आए, औरतें 5,000 आनी थी, 20,000 आ गई, और ये प्रस्ताव पास किया गया कि आप जिस दिन एडल्ट फ्रेंचाइज करा देंगे, जिस दिन 62 पदाधिकार करा देंगे, मुस्लिम लीग खत्म हो जाएगी। सबसे पहला प्रस्ताव उस कॉन्फ्रेंस का। आप जानते हैं ना, मुस्लिम लीग जो 1936 में जीती और 1946 में जीती, उस वक्त वोट कौन कौन लोग दे सकते थे? मनी इनकम टैक्स पेयर, मनी लैंडर, एडवोकेट्स, डिग्री होल्डर, और सारे हिंदुस्तान में केवल 14% से कम मुसलमानों को वोट देने का अधिकार था, और यूपी और बिहार में क्योंकि मुसलमान गरीब था, उनमें से 4% लोगों को वोट देने का अधिकार था। ये जमींदार थे, ऊंची क्लास के लोग थे, एडवोकेट्स थे, जिन्होंने पाकिस्तान बनवाया, और उसके खिलाफ मुसलमान की सारी नीची जातियों के जो संगठन थे, उन्होंने सबसे बड़ा सम्मेलन कर दिया। लेकिन कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ समझौता किया पार्टीशन करने का। और मैं चाहता हूं कि आप खान अब्दुल्गफार खान का खत पढ़ें गांधी जी के नाम, कि हम हमेशा हम आपके साथ खड़े रहे। और लेकिन उसमें देखिए, गांधी जी का कसूर इसलिए उसमें नहीं था करवाने में, क्योंकि गांधी जी घेर लिए गए थे सरदार पटेल के। सरदार पटेल सबसे पहले आदमी थे जो एग्री कर गए थे पार्टी को, और उसकी बहुत सारी वजह थी। मैं पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के तौर पर जानता हूं, जब वो मिनिस्ट्री बन गई तो उसमें हर दफ्तर के अंदर एक मुस्लिम लीग की टेबल है, कांग्रेस की टेबल है। अब वो आपस में कैसा प्रशासन चलता है, वो सब की वो अलग एक बहस है पार्टीशन जो हुआ। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, एक तो ये सारे सवाल हम करेंगे, लेकिन हिंदुत्व को आपने जब वो मुसलमान का सवाल उठाएगा तो वो ये कहेगा, भैया तुमने रोहतक का नाम अब शिवपुरी कर दिया ना, एक मिनट के लिए मैं उदाहरण के लिए कह रहा हूं, तो अब तुम बताओ सारे हिंदुओं को नौकरी कब मिलेगी, ये सारे मोहल्ले बिल्कुल साफ कब होना शुरू होंगे, ये पीने का पानी सबको कब मिलेगा, है? और जब तुमने, या तुमने नहीं भी किया, तुम हिंदुओं की सरकार हो ना, हिंदुओं की सरकार हो तो तुम सारे हिंदुओं को नौकरी दिलाओ, उनको स्वास्थ्य फ्री में कराओ, उनके एजुकेशन फ्री में कराओ। अरे तुम तो हिंदुओं का सब कुछ खत्म कर रहे हो। इस देश में एजुकेशन खत्म होगी तो कितने मुसलमानों का असर पड़ेगा? 5% मुसलमान स्कूल और कॉलेज जाते हैं, 5%, 14% है, बाकी कितने का नुकसान होगा? दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर क्या हो रहा है, JNU के अंदर क्या हो रहा है? आपने हिंदुत्व चाहिए हिंदुओं के लिए, पैसा चाहिए अडानी अंबानी के लिए। मनुस्मृति जिसको लागू कराना चाहते हैं, उसका एक श्लोक है, और वो श्लोक में ही है, पूरा गीत के अंदर है, कि कभी भी किसी ब्राह्मण को सजा मत देना, ज्यादा से ज्यादा सजा देना कि उसको कहना अपना सामान बांध और यहां से दूसरी जगह चला जा। आज अडानी अंबानी हमारे ब्राह्मण है, ये मनुस्मृति के ब्राह्मण है। हमारे साथ कुछ भी होता रहे, उनको सजा नहीं दी जानी है। आप हिंदुत्व के गेम में मत फंसिए, हिंदू मुसलमान मत फंसिए। आप उनसे पूछिए तुम हिंदुओं के लिए क्या करोगे। मैं पाकिस्तान बांग्लादेश का एक्सपर्ट था, मैं उसका बुनियादी तौर पर उसका रिसर्चर था, और मैंने उनसे जब ये पूछता था कि तुम इस्लाम देश है, तुमको बांग्लादेशी मुसलमान क्यों छोड़ के भाग गए, ये सवाल जो इनसे कर रहा उनसे करता था। दुनिया के 2 देश है जहां मैं नहीं जा सकता, पाकिस्तान और सऊदी अरब, मैं नहीं जा सकता। ये जो सवाल है हिंदुओं, इनसे अपने मुसलमानों का क्या होगा? कहते यार मुसलमानों को गद्दे में जाने दो, ये तो सब वैसे ही शूद्र है, ये तो वैसे ही मलेच हैं। तुम बताओ भाई ये हिंदुओं के बारे में तुम क्या करोगे? यूपी के अंदर ज्यादा मुसलमान लड़कियां रेप हो रही है, हिंदू लड़कियां रेप हो रही है, या सारे देश में बताइए? हम उनको गेम में नहीं फंस रहे हैं, हमने अपना एजेंडा तय करना है। धन्यवाद।
और अगर भाई साहब ध्यान देंगे, हमने देसी भाषा में एक गीत सुनाना है आपको लास्ट।